चलो जी, चलो मैडम। घबराई हुई है बीजेपी सरकार, घबराई हुई है, घबराई हुई है। अरे यार, बोलो आज यहाँ किस लिए आए हो? जंतर मंतर आपको मिलने वालों से मिलने के लिए आए हो? बेटी रोड में रोड में नहीं आए हो? नहीं, मैं आपको मना है, धर्म गलत है। इसलिए गलत है कि जब उनके साथ छेड़छाड़ हुई, एक आदमी का कुछ नहीं मेरे, एक आदमी का कुछ नहीं मेरे। आप वहाँ चले, बात चलो, चलो एक मालिक अपने नौकर को रोज जूते से पीटता है तो क्या नौकर अगर 2 साल 4 साल 5 साल पिट गया है तो वो आगे भी पिटता ही रहेगा? ये बताओ, सही बताओ। नहीं, क्या पिटेगा? तो अपना हक उसी दिन मांग में जाइए। अगर जूते से पिट रहा है तो थाने में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जनता को बताए, पड़ोसियों को बताए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा FIR दर्ज हुई है पॉक्सो के तहत, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है?
ये देखो निर्णय करेंगे हाई कमान के लोग हमारे, मतलब कानून का कुछ नहीं है, कानून नहीं है। मेरी बात तो ये है कि बैठ के इस धरने को हटाइए और 10 आदमियों की टीम बनाइए, मैं आपके साथ हूँ और चलिए मैडम टीम साइन बात कर ही मैं आई थी, साइन बात में भी मैंने अपने भाइयों को समझाया मुसलमानों को और 10 लोगों को लेकर बैठ के मीटिंग कराई मोदी जी के साथ। ये नहीं है कि आप अर्थव्यवस्था बिगड़ी जा रही है देश की, मोदी जी का साथ रहती है मीटिंग कराती है किसके मीटिंग कराती है ना, नहीं मैं टाइम नहीं, मेरे भाई है क्या नहीं है 40 साल से मैं उनके साथ राजनीति कर रही हूँ। अरे भाई तो समर्थन बताइए, भूषण का एक गुंडे का जिसके ऊपर 38 मुकदमे और बच्चों का शोषण किया उन्होंने जी, 15 रुपए में मेडल बिकेगा विभूषण शरण ये बात जी, बाहर मैडम निकल कर लो पीछे जगह देखिए, मैंने जो कहना था मैं कहती हूँ मैडम, आपने कहा कि प्रदर्शन गलत, आपकी ये जजमेंट आपने कैसे लिया? हमने ऐसे लिया कि जो कानून में लिखा है उस दिन क्यों नहीं गई है, उस दिन कानून में कहा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया FIR होगी ना आपकी तो आप अरेस्ट करा दीजिए, पॉक्सो के तहत अभी तक अरेस्ट तो हुआ नहीं 24 घंटे के अंदर, तो पॉक्सो में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है। अच्छा आप अपने नेता को बचा रही है यहाँ पे आके, अच्छा अच्छा आप अपने नेता को बचा रही है यहाँ पे आके, मैं हमेशा आती रहती हूँ यहाँ मीडिया वाला बताओ आप माहौल खराब करने आई हैं, माहौल किसने, मैं तो मुझे मेरी जान लेने के लिए बैठे हुए हैं, आपने देखा नहीं किस तरह से आ रही है मीडिया, एक बात सुन लो चारों तरफ से जो लंदन लोग मेरे ऊपर घेरा रहे थे और हिंदी सब आप देखो लंदन थे ना, मैं तो हिंदू हूँ, जो मंडन भाई से दे वो लड़का जो मेरे ऊपर हाजिर हो रहा था आपको मंडन भी हमारे भाई है जो भारत में रह रहे हैं वो भी हमारे भाई है भाई, लेकिन कमी से एक एक आदमी मेरे से पूछते लगा कि आपके साथ गलत हो रहा है यहाँ पर लगा किसके साथ, अभी आपने सबने मेरा स्वागत किया है, मीडिया का मैं धन्यवाद करती हूँ, जानते हो नहीं लेते अगर आप लोग नहीं, आपको थोड़ी सी भीड़ में डर लग गया कि नहीं 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 तो गलत है आपके साथ गलत हो रहा था, हम किसके साथ अभी आपने कहा माता जी गलत का विरोध होना गलत है, आप ये कह रही है मेरी बालक मेरा विरोध करना, मैं ये नहीं कह रही आप अपनी बात को जो ना अर्थव्यवस्था खराब हो रही है टाइम वेस्ट हो रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है आप देख लो बताइए, परीक्षा में व्यापारी की नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को जिता कर आए हैं, व्यापारी नहीं है ये लोग जो अर्थव्यवस्था, आप मांग रहे हैं ना, आप मांग रहे हैं ना उनको हक मांग रही है ना आप, तो इंसान मिल जाएगा, आप एक महिलाओं के समर्थन में नहीं, बताओ शर्म आनी चाहिए, मैं महिलाओं के समर्थन में सही तरीके से होंगी, जो गलत हो रहा है मेरी निगाह में गलत क्या हो रहा है, आपने जल्दी पार्टी का जो नेता शोषण कर रहा है वो सही है, गलत क्या हो रहा है, आप अपने नेता जी को बता रहे बचा रहे हैं ये दिख रहा है, गलत क्या हो रहा है, आप यहाँ पे मैंने पहले मैं डर गई हूँ क्या, तो मैं पहलवानों से डरती हूँ, महिलाओं से डरती हूँ या किसी बदमाश से डरती हूँ बताइए, अरे बदमाश क्या है इसका, ये होगा कि आप 10 आदमियों की टीम बनाइए और बैठ के बात करिए, 3 महीने पहले भी टीम बनी थी, कमेटी बनाइए, भूषण तो पूरे गुंडा करते से मुकदमे उसके ऊपर गुंडा से गुंडा है वो, सुन मेरी चली जाऊंगी, हाँ बोलो, मैं ये कह रही हूँ इतने दिन से ये लोग अपना मांग कर ही तो रहे थे, इतने दिन तक आपने 10 दिन की टीम, हमारे पास टाइम नहीं था, हम चुनाव में बिजी थे, मैं तो अभी आई हूँ 4 महीने बाद, चुनाव ज्यादा जरूरी है बेटियों से, मैं 4 महीने बाद आई हूँ माता जी, चुनाव ज्यादा जरूरी है बेटियों से, आप बेटी की बात क्यों नहीं करते हो, बताओ किसी पढ़ाई बेटी बचाओ, इज्जत लूटी जा रही है भैया, कोई इज्जत नहीं लूट रहा है ये सब, मैं क्या बोलूं, चलो आप ये मेरा राज है, 10 महीने के बाद ये हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, 10 महीने के बाद
माता जी मीटू मूवमेंट में 10-10 साल पुराने केस आए थे, उनको इंसाफ मिला था, तो यहाँ क्या गलती है ये बताइए। अच्छा अगर सुनो, मैं अगर गुंडों का साथ दे रही हूँ ना, आप क्या करना चाहते हैं मेरा? मैं गुंडों का साथ दे रही हूँ, चलो चलो मैं गुंडों का साथ दे रही हूँ, बोलो गुंडी मेरे मैं गुंडी हूँ, और बोले अभी तक मजाक बना, नहीं माँ नहीं नहीं मैं भी माँ गुंडी हूँ, क्या बहुत बढ़िया खेल लेते हो। हाँ खेलते हैं, सुनो भी इकट्ठे हुए तो आपको दिक्कत हो गई, लेकिन बेटियां बैठी हम कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने भी कहा, लेकिन मैं अकेली खड़ी हूँ, मैं तो बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ, मुझे क्यों भेजेंगे? हम ये बताए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मुझे नहीं मालूम, ये हमारा हाईकमान जाने, हाईकमान जाने का, मोदी जानेंगे, मोदी जानेंगे, बहन बेटियों को क्या 15 रुपए कीमत होती है, इससे तो नाच को नहीं उठा। नहीं नहीं मेरी बात सुनिएगा, बेटियां हमारी जो मेहनत करती हैं, देश की शान आन मान है, आन मान शान है हमारी बेटियां, हमने कहा है कि नाम नाम से बैठ और वो भी करवाए, किस पर मार्गो टाइम, जब अगर वो अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरा कुछ भी करा लो, साँच को आँच नहीं है, साँच को आँच नहीं है कहीं कुछ भी करा लो, क्या जी सात को आँच नहीं है कुछ भी करा लो, चलो गुंडा गुंडा करती जांच होगी, कैसे होगी, नहीं नहीं होगी, नहीं होगी, सब झूठे हैं, फ्रॉड है सब, ना तक चाहते कि ये जितना भी हो रहा है सर, झूठे हैं सब, इंद्रस्थान का निर्माण हो रहा है सब, झूठे हैं, ब्रज भूषण झूठे हैं, लड़की झूठी है, लड़कियां झूठी झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारा ये कर दिया है, क्या सो रही थी तुम उस समय, क्यों नहीं करवाया तुमने, आगे किसकी बोला किसके आगे, वो कितना बाहुबली है, अब क्यों कर दिया था बाहुबली, अब जब नहीं था तो अब नहीं है बाहुबली, क्या वो मुर्दा हो गया क्या, अभी भी नहीं हम, मतलब 10 साल बाद अगर ऐसा नहीं मानेगा बेटियों को, नहीं मानती मैं, नहीं मानती, इंसाफ नहीं मिलेगा बेटियों को, मिलता जब उसी समय इमीडिएटली 1 महीने बाद 2 महीने बाद होती तो मैं उसको मानती। आप लोग नया संविधान चलाती है क्या देश में, उसी टाइम करेंगे तो होगा, ले जाएगा मैडम, देश संविधान से चलेगा या भाजपा के शासन से चलेगा इतना बता दो, किसका से चलेगा, देश के संविधान से चलेगा, संविधान में न्याय चलेगा, न्याय मिलेगा, अब बार बार जिक्र करें फूलन देवी, क्या क्यों नहीं करूंगी, भाई ब्रजभूषण को जो आरोप लगाया गया है, मेरे भाई अमित शाह जी को और मोदी को गिराने की कोशिश कर रहा है ये, अरविंद केजरीवाल नाटक चाटक करा रहा है, देश के अंदर अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है, कानून का व्यवस्था कर रहा है, दिल्ली सरकार नहीं चलाई जा रही उससे, अरविंद केजरीवाल से, मैडम दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है, हत्या में डाल दिया, खड्डे में, गंदगी में, नहीं गुंडा दिल्ली के लोग हैं जो जेल में अंदर बैठे हैं, दिल्ली के केजरीवाल के लोग गुंडा जो बैठे हैं जेल में जाकर के, अभी पक्का गुंडा है वो, और देखो खालिस्तान की सारी जमीन जो हमारी बिहार की जमीन थी दिल्ली की, वो सारी झुग्गियां बना डाली, सारी झुग्गियां बन गई, बीजेपी के नेताओं का वो होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बीजेपी के नेताओं से बेटी को बचाने की बात कहते हैं वो लोग, किसको जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बीजेपी से बेटी बचाओ बेटी, बीजेपी क्यों करेगी, तो बीजेपी क्यों करेगी, ब्रजभूषण क्यों करेंगे, तैर चुका लगा है उसका, लगा है उसका निशान है, डीएनए टेस्ट आ गया, अरे ब्रजभूषण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
सेल्सियस में आप आधे घंटे 40 डिग्री सेल्सियस में आप आधे घंटे से यहाँ पे भाई पार्टी का है। अरे भाई के ऊपर 38 मुकदमे, भाई ने शासन नहीं किया था, झूठा है, 40 झूठा। मेरी बात सुन लो फिर, मैं ये कह रही हूँ बीजेपी ये आप 40 डिग्री सेल्सियस में आधा घंटा खड़े नहीं हो पाई है, एक महीने से बैठे हुए हैं, वो बेवकूफ है। किसका? पहलवान, पहलवान जो बैठे हैं ना, हमने देखो मेरी बेटी है, बेटी अगर आप भी मेरी बेटी ऐसा हुआ तो मैं महिलाओं के साथ हूँ, सच्चाई के साथ। और बोलो भाई और पूछो, हमारा यही सवाल होगा, गुंडे के साथ ये कमल क्यों दे रहा है? गुंडे के साथ हमारी पार्टी गुंडों को रखती है? किस मुकदमे है ब्रजभूषण? नकली बात, सब नकली है, सब यूपी के एफआईआर है, योगी जी ने नकली मुकदमे करा दिए क्या? सब झूठे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, राष्ट्रीय नेता बीजेपी। चलो मैडम आप लोग, चलो भैया आप लोग साइड में, चलो आप लोग साइड में, चलो। मैं आज ब्रजभूषण जी की कोठी पर आई हूँ, मैं एक मिनट इधर आ जाओ। ऐसी आप मैं पंगा किया, अभी पंगा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मिलने आए हैं और अब हम टाइम दे रहे हैं, वीडियो बनाएंगे, वीडियो नहीं। मैडम आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे सर। मैडम नाइन जी एक मिनट, अभी आप वहाँ को, अरे पंगा नहीं कर रहे, कराना कराया आपने पंगा, वहाँ जाके आप यहाँ से खड़े हो जाते हैं। तो देखा आपने, अभी अपने आपको बीजेपी की नेता बताने वाली महिला उर्मिला चंदेल ने जो धरना प्रदर्शन पर जो किया वो सब कुछ आपके सामने है। अब ब्रजभूषण शरण के घर के सामने डॉक्टर उर्मिला चंदेल आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वो 3 दिन के लिए बाहर गए हैं और बाहर आते ही इनसे मिलेंगे। इतना आपने वहां पर जाकर सब कुछ किया, एक मिनट सर, आप ऐसे मीडिया वाले को रोक नहीं सकते, पहली बात। हाँ चल ठीक है, हाँ ऐसे नहीं रोक सकते, ठीक है। जर्नलिज्म करने के बाद हम ये सब सुनने के लिए नहीं करते कि हम इतने, हाँ वही मैं चीजें कह रही हूँ, ये सब चीजें ऐसे मतलब रिक्वेस्टली वे में बोल सकते हो आप, हम इतने जर्नलिज्म करके आपके ये सब सुनने के लिए नहीं बैठते कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, फलाना चले जाओ, ढिमकाना चले जाओ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ब्रजभूषण जी की कोठी है जहाँ मैं आई हूँ, जानकार है हमारे एक भी, हाँ चलो ठीक, हाँ मैडम बताइए क्या बात हुई है। मैंने अपना वहाँ नाम भेजा तो बाहर से उनका पीएस आया, कहता है कि मैडम जी 3 दिन के लिए बाहर गए हैं, वो आपसे जरूर मिलेंगे, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है कि वो आपसे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे भाई हैं पार्टी के। तो यहाँ पर पुलिस वालों ने आपसे कहा कि आपने वहाँ ड्रामा किया, अब आप यहाँ ड्रामा तो ड्रामा मैं करूंगी अपने भाई के लिए करूंगी, जो मेरे भाई के ऊपर अटैक कर रहा है, मेरी पार्टी के ऊपर कर रहा है, तो मैं ड्रामा करूंगी अकेली? ठीक है।